ये वो रोड है, दोनों तरफ इसके घने जंगल है, आपको दिख रहे होंगे। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड को तो चौड़ा करने के नाम पे सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है। और मुझे अभी जो गांव वालों ने बताया कि ये रोड जिस पे हम खड़े हैं ये पूरी की पूरी रोड ही नई है। इस रोड से उन्होंने सार्क चौक तक जो है इस नई रोड को बनाया है। और आप देख सकते हो जंगल के बीचों बीच ये सड़क है। यहाँ जंगल था पहले? जंगल था यहाँ पे पहले, पेड़ थे बाकायदा। और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ पे सारे काम बंद कर दो। उसके बावजूद आपने देखा कि बुलडोजरों से काम चल रहा है। आप यहाँ पे मिट्टी के ऊपर इन निशानों को भी देख के कह सकते हो कि अभी तक यहाँ पे काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कितने पेड़ कटे इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा जो कटे हुए दिखेंगे। तो उनको भी उखाड़ के उनको भी निपटा दिया जाए और उनके ऊपर भी मिट्टी की एक लेयर डाल दी जाए, इसकी साजिश भी डीडीए द्वारा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चल रही है। दूसरी बात आपने देखी होगी, जैसे ही हम छतरपुर से अंदर घुसे गौशाला रोड पे, आप लोग यहां पे पहली बार आए हैं और आप पत्रकारों में से मुझे एक दो ने कह दिया कि मंत्री जी इस सड़क के एक तरफ तो सारे फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े करोड़पतियों के अरबपतियों के, और एक तरफ जंगल था। पहली बार में आपको दिख गया। तो अगर रोड चौड़ी करनी थी तो आप फार्म हाउसों को तोड़ देते, रोड चौड़ी कर देते। जैसे हम किसानों की जमीनों को एक्वायर करके ये फार्म हाउस बनाए गए, हम गरीब दिल्ली के गांव वालों की जमीनें एक्वायर करी सरकार ने और इन अमीरों के फार्म हाउस बना दिए, तो इन अमीरों के फार्म हाउसों की जमीन भी एक्वायर होके सड़क चौड़ी कर सकते थे। मगर उनके फार्म हाउसों को नहीं छुआ गया, जंगल के अंदर 1100 पेड़ काट दिए गए। एक और मैं आपको बात बताता हूं, यहां पे आसपास के लोग बताते हैं, चाहे तो आप इंटरव्यू ले लीजिएगा, एलजी साहब एक बार नहीं कई बार आए हैं। क्या करने एलजी साहब यहां बार बार आए हैं ये आप एलजी साहब से पूछ लीजिएगा। यहां के लोग बता रहे हैं एलजी साहब ने खूब चक्कर लगाए हैं यहां के। जब एक बार आपको आके दिख गया कि इस रोड को चौड़ी करने के लिए आप फार्म हाउसों की जमीन ले सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, तो एलजी साहब को ये बात क्यों नहीं समझ में आई? ये सवाल एलजी साहब के लिए। दूसरी बात, पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए थी। पेड़ काट दिए फरवरी के अंदर, किसी ने शिकायत कर दी तो फिर परमिशन मांगने सुप्रीम कोर्ट में गए ये कह के कि पेड़ अभी काटे जाने हैं, हमें परमिशन दे दो। और सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन डिनाई करी और ये कहा क्या और कोई तरीका भी है रोड चौड़ी करने का पेड़ों को बिना काटे? आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो वहां बैठा है उनके दिमाग में ये बात है कि क्या किसी और तरीके से भी रोड चौड़ी हो सकती है। मगर वो तरीका ना सोच के जंगलों को काटा गया। और मैं समझता हूं फार्म हाउसों और फार्म हाउस मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया और इसके अंदर बड़ी गड़बड़ी की आशंका साफ साफ नजर आ रही है। साफ साफ उन फार्म हाउसों को डबल फायदा हो गया क्योंकि अब उनके सामने की रोड जो इतनी छोटी सी रोड थी उसको आपने जो है इतनी चौड़ी रोड बना दी, तो उनको तो आपने उनकी तो कीमतों के अंदर इजाफा हो गया। जो यहाँ लोकल बता रहे हैं कि एक फार्म हाउस अगर वो एक रुपए का था तो अब वो 5 रुपए का हो गया उस रोड की चौड़ी होने के बाद।